इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। डीएमओ साहब जो है, डीएसपी हेडक्वार्टर का, हर आदमी उनको अप्रिशिएट करता है। जी जी, क्यों, क्या कारण है सर? पॉजिटिव रहते हैं क्या? एक सच्चे आदमी है। जब फर्स्ट में मैं उन पर्ची फेक है, ओरिजिनल है, जिन जिन लोगों को हमें चलो इतना पता चलता है, हम गूगल से स्कैन करेंगे, स्कैन हो रही है, अब हमें इतनी नॉलेज तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट पोर्टल में पैसा जा रहा है नहीं जा रहा। डीसी सर से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से, इन ग्रीबों की तरफ से, कि सर आप जो ऑफिसर जो आपको बताते हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स नहीं बताते, क्या हमारा ये कहना सही है कि गलत है? बिल्कुल सर, ये आपका कहना सही है। अगर मेरी जो फैक्ट कर, पर्ची कटने वाला वो भी हम सुन रहे हैं, वो भी जेल में चला गया है, वो भी अरेस्ट है सर, इस वक्त रियासी थाने में है। वो तो कच्ची अरेस्ट थी, अब पक्की होगी क्या? अब क्या जानकारी? तो गाड़ी हुई आंधा फेक पर्ची की वजह से हुई या किसकी? फेक पर्ची की वजह से हुई गाड़ी। सच्चाई को तो सामने आना ही था ना, मैंने तो पीछे हटना ही नहीं था, चाहे वो 60,000 दें या 60। नीरज पडियार साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी एम के खजूरिया साहब SHO जो हैं, मैंने जिंदगी में मुलव्वस था इस इन्वेस्टिगेशन में, मैं उन सब के खिलाफ जो है ना SSP रियासी से मेरी ये गुजारिश है, और DIG रईस अहमद भट्ट से। वो भी इनका कहना सही है कि बनाने वाले गुनाहगार है, लेने वाले को क्या पता, लेकिन लेने वाले जिनको दिया गया था आज बरी होगी, इनकी गाड़ी रिलीज। राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस, इस वक्त हमारी टीम रियासी में खड़ी है और माइनिंग को लेकर के जिस ये जो हमारे साथ गुलजार अहमद जी खड़े हैं, इन बेचारे का 9 महीने डिपर को सीज किया गया था पुलिस की तरफ से, इसने इतना युद्ध लड़ा और हम लोगों ने इसकी जो DMO साहब उनके दफ्तर में इनका रोना हम लोगों से नहीं देखा गया। फिर लोग बोलते हैं कि DMO साहब ऑफिस में आके रो रहा बेचारा, ये किसी क्या करते हैं DMO साहब, अभी इसके ऊपर देखते हैं। और आज के चेहरे में देख रहे हैं आप, इतने खुश हैं, और मैं बोलता हूँ इनसे ज्यादा हमें खुशी है, क्योंकि हमारी टीम भी इसके साथ साना बिछाना चल रही थी, और जैसे जैसे हम लोगों को डिस्कशन करते रहे, जैसे जैसे चलते रहे, और मैं तो सबसे पहले बड़ा शुक्रिया अदा मैं SHO साहब का, रियासी का करना चाहेंगे, और जिन्होंने एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, बाकी वो डिटेल में आप लोगों को ये बताएंगे, लेकिन उसके बाद जो DMO साहब रियासी है जिन्होंने भी जबरदस्त काम किया, और बेचारा कई बार कोर्ट में जाकर के इसकी हेल्प किया, बाकी इन्हीं की जवानी सुनते हैं। गुलजार जी आप क्या कहेंगे, ये जो इतना बड़ा ये स्टोरी जो है, मैं बोलता हूँ स्टोरी आप करने लगेंगे, सच्चाई बनने लगेंगे तो पता नहीं कितने घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप बताएं सर प्लीज। सर मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हर बार पहले भी आए थे और आज भी मेरे फ़ोन करने पे आप आ गए। तो उसके बाद जैसे पहले भी मैंने वीडियो में एक बताया था कि 1/4/2024 को मेरी गाड़ी सीज हुई थी, बोनी SHO ने की थी, SHO प्रमोद सिंह ने, तो आज तकरीबन लगभग उसको 8 महीने मुकम्मल हो, 8 महीने हो चुके हैं। तो मेरी गाड़ी तकरीबन 10 बार वो SHO वहाँ गए हैं, SHO प्रमोद साहब भी गया है वहाँ, और जाके बस क्रेशर पे चाय पीनी वापस आ जाना, कोई भी कोई एक्शन मतलब इस तरीके का उन्होंने नहीं लिया, जबकि सब सबूत जो थे 8 महीने के बाद भी क्रेशर से मिले हैं। तो मैं सबसे पहले SHO KM खजूरिया साहब हैं हमारे SHO रियासी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और उनसे भी बढ़ चढ़ के DSP हेडक्वार्टर नीरज पडियार साहब का मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने तुरंत इस चीज़ पर तकरीबन इसी की 23 तारीख को उनके पास इन्वेस्टिगेशन आई थी, उनकी एक सीट बनी थी, और आज तक 30 तारीख है, इस चीज़ का फैसला भी, ये रिजल्ट मेरे सामने आ गया, जिसमें वो लड़के भी पकड़े हुए हैं जिन्होंने फेक पर्चियां काटी थी, वो लैपटॉप भी कोर्ट में पेश किया, उसमें भी फेक पर्चियां तक लगभग 500 से कबल मतलब ये फेक पर्चियाँ उसमें हैं। तो मैं जो भी मेरे ड्राइवर भाई हैं या मेरी तरह जो भी मजबूर आदमी है, मैं उनसे ये चीज़ कहता हूँ कि मेरी गाड़ी को तकरीबन इन्होंने मतलब जो भी एक्ट था ना वो मेरे पे साबित करके कोर्ट में पेश कर दिया था, एक्ट लगाया था उन्होंने जो 4/21 माइनिंग एक्ट लगाया था, तो वो ना इन्होंने पुलिस ने ना इसका क्या नाम है, वो कौन थे जिन्होंने सर ये एक्ट लगाया था, वो SHO प्रमोद सिंह, आने वाले समय में कोर्ट में उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा क्या? सर बिल्कुल होगी कार्रवाई उन पे, और ऐसे मैं भी नहीं छोड़ूंगा उनको, जैसे जो वो अफसर दो हैं खास करके उनको तो मैंने किसी सूरत में नहीं छोड़ना है, जो एक तो DMO शफीक चौधरी साहब रियासी हमारे गाँव के हैं, कोई बात नहीं उनसे भी हम बात करेंगे और हाई कोर्ट में करेंगे, और SHO प्रमोद साहब उनसे भी हम बात करेंगे हाई कोर्ट में करेंगे, ऐसे उनसे क्या बात कर रही हैं। 9 महीने से उन लोगों ने ऐसे हमें दर बदर किया है, मैंने कोई ऑफिस कोई ऐसा नहीं छोड़ा, IG साहब के पास मैं गया, और DIG साहब के पास मैं गया, SSP साहब के पास मैं गया, DC रियासी, DC जम्मू,
SDPO अखनूर, मतलब यहाँ से कहते हैं कि अखनूर का मैटर है जी, अखनूर में देखा जाएगा। अखनूर से कहते हैं ये रियासी का मैटर है, रियासी में देखा जाएगा। तो ऐसे करते करते इन लोगों ने 8 महीने पूरे गुजारे मेरे, और आज ये वक्त आ गया कि जिसमें 8 दिन में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी। 8 महीने का कोई काम ही नहीं था, 8 दिन का काम था अगर करने वाला हो। लेकिन जो ये मेन डिफॉल्टर कौन रहे सर? सर मैन देखो ना, पहले जब गाड़ी इन्होंने पकड़ी थी उस वक्त SHO प्रमोद और DMO शफीक साहब के सामने, वो क्रेशर वाला हमें पैसे भी दे रहा है कि भाई आप ये पैसे लो, तो फेक पर्चियों का इशू बीच में नहीं लाना। तो आज कम से कम वो देख लें खुद ही कि ऐसा इस तरह के अफसर भी हैं यार। कम से कम जब आपको देख भी रहे हैं सच क्या है झूठ क्या है सब उनको पता है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं जी छोड़ो जी फेक पर्चियों पर क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, इससे आप उलझ जाओगे। यार ये एक बात मेरी सुन लो, चाहे आप अफसर हो जो भी हो, हराम खाने से कुछ नहीं होता है किसी का। जिंदगी आपकी भी 9 महीने गुजर गई, मेरी भी 9 महीने गुजर गई, आपकी थोड़ी आराम से गुजरी होगी, मेरी थोड़ी मुश्किलों से गुजरी है। आपने भी रिज्क वही खाया होगा, मैंने रिज्क हलाल खा के 9 महीने गुजारे हैं। सबको वही पत्तियां दे रहे हैं। बनाने वाले हैं वो भी, इनका कहना सही है कि बनाने वाले गुनाहगार है, लेने वाले को क्या पता। लेकिन लेने वाले जिनको दिया गया था आज बरी होगी, इनकी गाड़ी रिलीज होगी। तो इसी मुबारक के साथ अब लेते हैं कैमरामैन के साथ इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।